नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, 12 अप्रैल मंगलवार का दिन है और आज है कामदा एकादशी। दोस्तों, जो भी व्यक्ति कामदा एकादशी का व्रत करता है, उपवास करता है, आज के दिन भगवान नारायण की, भगवान श्री हरि की सेवा पूजा करता है, वो व्यक्ति बड़े से बड़े पाप से भी उसको मुक्ति मिल जाती है। कितना ही बड़ा पाप किया हो व्यक्ति ने, लेकिन जो भी व्यक्ति कामदा एकादशी का उपवास करना शुरू कर दे, उसको अपने पापों से संपूर्ण मुक्ति मिलती है। दूसरा, कामदा एकादशी वाली दिन व्रत उपवास करने से व्यक्ति की प्रत्येक मनोकामना पूरी होती है। यदि काफी लंबे समय से आप कोई इच्छा संजो करके बैठे हैं और आपका काम नहीं हो रहा है, तो कामदा एकादशी वाले दिन एकादशी की मतलब भोजन ना करें और इस दिन व्रत रखें, भगवान नारायण की जितना ज्यादा हो सके दोस्तों सेवा पूजा करें। आज के दिन भगवान श्री हरि की सेवा करें, हल्दी वाले जल से, केसर वाले जल से आप उन्हें स्नान करवाएं। भगवान के आगे घी का दीपक रखें, अगरबत्ती रखें, पीले रंग के पुष्प उन्हें अर्पित करें और ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जितना ज्यादा हो सके दोस्तों उतना ज्यादा जाप करें। आज के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना बिल्कुल भी ना भूलें। हल्दी वाला जल पीपल के पेड़ पर अवश्य ही चढ़ाएं, वहां पर भी बैठ करके ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा दोस्तों जाप करें, तमाम इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। काफी समय से कुछ सब्सक्राइबर जो नंबर इस नंबर की वीडियो जब मैंने पहले अपलोड की थी, बार बार कह रहे थे कि इस नंबर को आप रिपीट करो, वीडियो बनाओ। तो दोस्तों, आज का जो दिन है एकादशी का, आज का दिन बहुत ही बढ़िया है इस नंबर को लिखने के लिए, जो नंबर मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, 333 333। आज 12 तारीख है, मतलब आज अंक की दृष्टि से भी भगवान नारायण का ही दिन है। 12 मतलब 3 का अंक, 1 + 2 = 3। 3 का अंक भगवान नारायण का अंक होता है, भगवान विष्णु का अंक है, जो इस सृष्टि की संचालन शक्ति है, जो पूरी सृष्टि का संचालन कर रहे हैं भगवान नारायण। तो आज के दिन दोस्तों यूं भी, आज यदि एकादशी नहीं होती, गुरुवार नहीं भी होता, तो भी अंक के हिसाब से आज भगवान नारायण का दिन है। तो आज के दिन जो लोग व्रत उपवास कर रहे हैं वे भी, जो व्रत उपवास ना कर रहे हों वे भी, यदि कामदा एकादशी वाले दिन इस नंबर को लिखते हैं तो व्यक्ति की तमाम मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चाहे आपको पैसों को लेकर के कोई तकलीफ हो, पैसे आपके पास नहीं आ रहे हैं, शादी ब्याह में कहीं कोई रुकावट आ रही है, नौकरी में, धंधे में कहीं कोई तकलीफ आ रही है, घर में कोई ऐसा काम है आपका लंबे समय से नहीं हो रहा है, तो कामदा एकादशी वाले दिन यदि आप इस नंबर को लिख करके अपने पास रखते हैं तो आपकी तमाम मनोकामनाएं पूरी होती है। आपको एक व्हाइट रंग का पेपर ले लेना है, यदि आपके पास भोजपत्र हो तब तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, यदि भोजपत्र नहीं है तो आज के दिन आप व्हाइट रंग का पेपर ले लें, और यदि येलो रंग का मिल जाता है तो बहुत बढ़िया रहेगा, अन्यथा व्हाइट रंग का पेपर लें और उस पर थोड़ी सी आप हल्दी लगा दें। हल्दी लगा करके उसके ऊपर आपको हल्दी और केसर मिक्स करके 333 333 थोड़े बड़े अक्षरों में आपको लिख देना है और उसके ऊपर 3 बार आपको राउंड कर देना है, गोल गोल चक्र बना देने हैं। उसके नीचे ओम नमो नारायणाय इस मंत्र को 3 बार लिख देना है, लिखना आपको हल्दी से ही है, ठीक है? पीली रंग की पेन होगी तो भी चलेगी। फिर से बता दूं, कागज यदि व्हाइट है हल्का सा आप उसको पीला कर लें और उसके ऊपर जो आप 333 लिखते हैं उसको थोड़ा ज्यादा डार्क करें पीला, ताकि वो आपको दिखाई दे। हल्दी और केसर, इन केस आपके पास केसर नहीं है तो आप हल्दी का ही यूज कर लें, लेकिन लिखें थोड़ा डार्क।
और उसके नीचे तीन बार आप अपनी इच्छा भी लिखते हैं। तीन बार मंत्र लिखने के बाद तीन बार आप अपनी इच्छा लिखें और पूजा स्थान में उसको रख करके उसके ऊपर थोड़ा हल्दी और थोड़े से चावल अर्पित करें, घी दीपक घी के दीपक से उसकी आरती उतारें, धूप अर्पित करें। उस नंबर के सामने ओम नमो नारायणाय मंत्र का 108 बार जाप कर लें, अपनी इच्छा बोलें और इस पेपर को फोल्ड करके अपने जेब में रख लें, अपने पर्स में रख लें या जहां धन स्थान है वहां पर रख दें। आज के दिन जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा आप 333 या 333 इस नंबर को आप बोलते रहें। इस नंबर को आज के दिन आप जितना ज्यादा बोलेंगे, जितना ज्यादा आज के दिन आप भगवान नारायण के मंत्र का जाप करेंगे उतनी जल्दी आपका काम होगा। आज के दिन दोस्तों कोई भी भूखा व्यक्ति हो उसे भोजन अवश्य ही करवाएं, गाय है उसे चारा खिलाएं, जहां पर चींटियां हो वहां जाकर के आटा और शक्कर जरूर डालें, छोटे छोटे पुण्य के काम जरूर करें। एकादशी वाले दिन दोस्तों जितना ज्यादा दान करेंगे उतना आपके पितृ भी शांत होते हैं, पितृ आपके तृप्त होते हैं। जिन्हें पितृ दोष होता है उन्हें तो एकादशी वाले दिन अवश्य ही पूजा करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए, व्रत उपवास करना चाहिए और दान करना चाहिए ताकि पितृ हमेशा तृप्त रहे। तो आज के दिन इस नंबर को अवश्य ही लिखे और अपने पास में रखे। आज का सबसे लकी नंबर 333 है, जरूर लिख करके रखे। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए अवश्य। जय श्री कृष्ण।